वेलकम टू तड़का विद भावना। तो आज तड़का विद भावना की रसोई में बनने जा रहा है सीजनल अचार, गर्मियों का और बहुत टेस्टी होता है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, हम लवेरे बोलते हैं, कहीं कहीं लसूरे और बूंदे, बहुत जगह जगह इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए फिर मैं बनाकर आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना है कि हमारे जो लवेरे हैं वो ज़्यादा पुराने ना हो, उस पर दाग ना हो, बिल्कुल फ्रेश हमारे लवेरे हों। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी जो डंडी है वो हम तोड़ लेंगे। इसका जो कैप है वो नहीं तोड़ेंगे हम, वो ध्यान रखिएगा, इसका कैप ये टूट जाएगा तो ये लवेरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी पड़ जाता है। तो इसलिए पानी ना पड़े, क्योंकि हम जब उबालेंगे तो ये पानी भर जाएगा और लवेरे ख़राब हो जाएंगे, तो इसे अलग कर देंगे। अगर कैप टूटे ना और ये जो डंडिया है, बस डंडिया को हल्का हल्का तोड़ देना है, तो जिससे हमारे लवेरे बिल्कुल अच्छे से बन जाए। तो अब हम इन सब लवेरों को अच्छी तरीके से पानी में उबालने के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है और इसमें डाल देंगे हल्दी। जो हल्दी है वो ज़रूर डालिएगा, जिससे लवेरों की जो भी गंदगी वगैरह है वो भी साफ़ हो जाएगी। तो अब हम इसे धोकर, लवेरों को अच्छी तरीके से धो के हम लोग इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं और ये बहुत टेस्टी बनता है अचार। जो भी बोरिंग इंसान होगा, जिसे पसंद नहीं होगा, उसे भी बहुत पसंद आएगा ये अचार सीजनल का। तो हम इसे 45 मिनट तक उबाल लेंगे। तो फिर बीच बीच में चेक करते हुए देखते रहेंगे कि हमारा जो लवेरा है वो इस तरीके से प्रेस हो। तो ये लवेरा बिल्कुल अच्छी तरीके से उबल चुका है। तो अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं और कहीं किसी बर्तन में हम छान लेते हैं। तो ये देखिए हमने छान लिया है। अब हम इसे पंखे की हवा में इसे रख देंगे। तो किसी तौलिया पे या कपड़े पे आप इसे फैला लीजिए और ये सूख जाए, मतलब इसका जो पानी था वो अच्छी तरीके से सूख जाए, तब तक हम इसे रखेंगे। और अब हम इसके जो डंडे हैं वो भी हटा देंगे बिल्कुल। अब क्या करेंगे, हम जो इसका कैप था अब उतारेंगे, शुरू में नहीं उतारेंगे, क्योंकि इसमें पानी भर जाता तो लवेरा ख़राब हो जाता, ये सालों साल तक नहीं चलता। तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, अब इसका जो कैप है वो भी उतार देंगे। इस तरीके से हम कैप सारे उतार देते हैं। तो अब देखिए जब हम बनाएंगे तो इसमें पानी नहीं भरेगा। तो ये हमने इस तरीके से सारे कैप उतार लेने हैं। तो ये देख सकते हैं इसके कैप उतारने से क्या होता है कि इसमें मसाला अच्छे तरीके से लग जाता है। तो अब हम इसका मसाला बनाने के लिए तैयार हैं। तो अब हम राई लेंगे, एक पैन में राई को डाल देंगे। तो ये मेरे पास एक कप लगभग राई होगा, तो बड़ा कप राई ले लेना है और इसे रोस्ट करना है। अब हम सभी मसालों को रोस्ट करेंगे और ये ज़रूर देखेगा इस टाइम पर आप स्किप ना करें, क्योंकि कुछ मसाले होते हैं जो रोस्ट नहीं किए जाते और कुछ होते हैं जो रोस्ट किए जाते हैं। तो क्या मसाले हैं वो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। तो हम अब मेथी का दाना लेंगे और मेथी के दाने को भी अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। मेथी दाना हम आधा कप लेंगे, ज़्यादा मेथी दाना नहीं लेंगे, इससे कड़वापन आ जाता है कभी कभी, तो आप लोग आधा ही कप लीजिएगा। तो ये भी हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। तो अब हम लेंगे इसमें सौंफ। सौंफ मैंने दो कप लिए हैं, तो आप लोग दो कप सौंफ ले लीजिएगा और इसे इस तरीके से थोड़ा रोस्ट कर दीजिएगा। और जो भी डंडी वगैरह है वो आप लोग साफ़ कर लीजिएगा। तो इसे भी हम रोस्ट कर लेते हैं। तब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने सौंफ को भी अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है, तो अब इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम लेंगे जीरा और कुछ काली मिर्च। तो काली मिर्च के दाने लिए हैं हमने और ये जीरा लिया है, तो इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो ये जो मसाले होते हैं वो बहुत टेस्टी स्वाद देते हैं लवेरे में। और इस सब मसालों को हम अब ठंडा होने देंगे और कुछ देर के लिए ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। तब तक हम तेल गरम करेंगे कढ़ाई में, और ये तेल आप अपने अचारों के लगभग देखेगा। जैसे मेरे लवेरे 1.5 किलो था, तो उस हिसाब से मैंने तेल भी 1.5 किलो ही लिया है।
देखिए मैंने इसको दरदरा पीस लिया है, तो मिक्सी रोक रोक कर आप लोग पीसिएगा। और ये जो हमारा तेल है वो भी हमने हल्का सा गुनगुना गरम कर लिया है। तो अब इसमें हम 1 कप लगभग हम इसमें कलौंजी डाल देंगे। तो इसे कलौंजी बोलते हैं, कहीं कहीं जगह मसिया भी बोलते हैं। तो ये डालने के बाद गुनगुने तेल में हम मसाला भी डाल देंगे, हमारा पिसा हुआ। ये अब थोड़ा सा हमने रोस्ट किया था और गुनगुने में भी अच्छी तरीके से हमारा फ्राई जाएगा, मतलब पक जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लगभग हल्दी। तो जो चीज़ें हम नहीं रोस्ट करते वो कलौंजी है, ऐसे कुछ मसाले और भी हैं जो आप लोग देखिएगा। तो अब मैं डालूंगी इसमें 3 चम्मच बड़े लाल मिर्च। तो लाल मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा। और अब मैं डालूंगी इसमें नमक, काला नमक है ये मेरे पास। तो इसमें अब मैं नमक भी डालूंगी स्वाद अनुसार। और स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी ये अजवाइन, अजवाइन भी डालना ज़रूरी है। तो ये अजवाइन वगैरह हम लोग रोस्ट नहीं करते हैं और रोस्ट नहीं किया जाता क्योंकि इससे फिर कड़वापन आ जाता है। तो अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा कप इसमें डालूंगी मैं आमचूर और नमक। अब मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ इसमें, अपने स्वाद अनुसार काला नमक और सेंधा नमक बराबर डालिएगा। तो डालने के बाद अब मैं इसमें हींग डाल देती हूँ, हींग से भी अच्छा स्वाद आता है अचार में और ये सालों साल तक भी चलते हैं। तो ये मेरा कश्मीरी लाल मिर्च है जिससे कलर अच्छा आएगा अचारों का। तो ये अचारों का कलर अच्छा लाने के लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। अब हमारा मसाला तैयार है। तो अब हम इसमें लवेरे का अचार डाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने डाल दिया और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये सबको घर में बहुत पसंद आएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। और इस तरीके से बनाओगे तो आपका जो अचार है वो सालों साल तक महीनों तक चलेगा। तो ये हमारा अचार बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे खाने के लिए, अभी तो रेडी नहीं है क्योंकि इसमें अभी थोड़ा मसाले फूलेंगे। जो मसाले आप लोग देख रहे हैं वो मसाले थोड़ी दिनों में फूल जाएंगे। 8 दिन लगते हैं इन मसालों को फूलने में और लवेरे को अच्छी तरीके से अचार बनने में। तो ये अचार मैंने एयर टाइट कंटेनर में मैंने इसे रख दिया है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये अचार को इंजॉय कीजिएगा, 8 दिनों के बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से